पे मौजूद है एंड अब एक जो प्लेयर नॉक डाउन को रिवाइव कर दिया जाएगा बट स्ट्राइकर डाउन किए गए बट मोस्ट प्रोबेबली रिवाइवल पॉसिबल होगा, मिल भी जाएगा, दिक्कत नहीं होने वाले बट स्काउट ओपी नोटोरियस उनको डाउन करेंगे। डाउन तो किया है बट वो फिनिश निकालना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। नेज यहां पर किए जा रहे हैं, साठ टीम में 19 लोग अभी भी जीवित और ऊपर स्काउट ने एक प्लेयर को स्पॉट किया। दिक्कत बस इतनी है कि स्काउट अगर हल्का सा आगे जाएंगे तो वो ओपन एरिया में यहां पर स्पॉट डाउन हो जाएंगे। वैक्सी वहां पर सेल्सियस के एक प्लेयर को और यहां पर टेक डाउन करते हैं और ओ आर ई स्पोर्ट्स सेल्सियस का एलिमिनेशन निकालती हुई छह टीम। अब बचिया 18 लोग जीवित जहां पर ओआर स्पोर्ट्स के प्लेयर्स अब हल्का सा जोन से बाहर हैं तो उसके लिए दिक्कतें उनको होंगी और मावी उनको सर्कल के बाहर पकड़ते नजर आएंगे और वहीं पर ओआर के प्लेयर्स को भी एक एक करके बाहर का रास्ता दिखाने की यहां पर कोशिश है। हैदराबाद हाइड्रास के प्लेयर्स को डैमेज काफी ज्यादा दिया जा रहा है। इनफैक्ट स्काउट मैंटी को डाउन करेंगे और खुद को आगे जाने का उनको ग्रीन सिग्नल हल्का सा मिलेगा। कैरी ऑक का इस्तेमाल करेंगे, उजगे को डाउन करेंगे बट वहीं पर मावी आते हैं चिकन रश के स्नाइपर को डाउन करते हुए। लो ग्राउंड टू हाई ग्राउंड बहुत टैक्टिकल होता है फाइट लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है फाइट लेना बट टीम एक्सपार्क यहां पर कर रही है। मावी एंड स्काउट की एक डेडली जो कॉम्बो है, जो डुओ है, वो हमें यहां पे देखने को मिलती हुई। दोनों प्लेयर जिस तरीके से साथ में रहकर भागते हुए आपको दिखाई देंगे। देखिए स्काउट मावी साथ में वहां पे रहेंगे बट चिकन रशर्स उन्होंने कोशिश बहुत ज्यादा की बट ज्यादा दूर तक अपने आप को ले नहीं पाएंगे। पांचवें स्थान पे वो यहां पे एलिमिनेट हुए बट आप देखिए टीम एक्सपार्क निकल रही है बट सर्कल टीम एक्सपार्क के पास है बट आप एक्सलोयन को देखे यहां पे ओशन किस तरीके से उन्होंने अपने आप को सर्वाइव कराया। फिनिशेस भी है उनके पास, पांच फिनिशेस उन्होंने निकाले, अपने आप को टॉप फोर में पहुंचाया और अब जब वो 16वें स्थान पे थे इस मैच के बाद और ज्यादा ऊपर दिखेंगे। एक्सलोयन के प्लेयर्स काफी अच्छे एरिया पर है बट वही पर स्काउट फिर से डैमेज नजर आती है। लो ग्राउंड टू हाई ग्राउंड का जो कंपोजर रहता है उसको बनाने की कोशिश, उसको बिठाने की कोशिश यहां पर चल रही है। हैदराबाद हाइड्रास के प्लेयर्स टीम एक्सपार्क का जो तीसरा प्लेयर अभी के लिए जीवित है उसके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश ये प्लेयर्स कर रहे हैं। कैरी बिल्कुल आगे आ चुके थे, उनको अगर वो यहां से जंप पा रहे डेफिनेटली नीचे आएंगे। अल्ट्रॉन वहां पर पीछे जो बैक एंड का एरिया रहता है, कोई भी प्लेयर अगर ओपन में आया तो अल्ट्रॉन उसको देखेंगे। स्काउट थोड़ा सा आगे, मावी हल्का सा पीछे, स्मोक्स और किए जा रहे हैं यहां पर प्लेयर्स के द्वारा बट इन सबके बीच में कैरी ऑलमोस्ट गिरने वाले थे। स्काउट देखिए बिल्कुल आगे की तरफ को पहुंच गए और एक एक करके प्लेस स्काउट ओपी टू ओपी फॉर द लॉबी राइट नाउ। यस बिल्कुल, जिस तरीके से वहां पे माधव एंड दोनों प्लेयर इंतजार कर रहे थे कि कोई तो आएगा, आए और इसी के साथ एलिमिनेट किए बट स्काउट ओपी उनके पास कुछ और था दिखाने को और अभी भी बहुत सारी चीजें बची हुई है और आप देखें किस तरीके से ओआर के पीछे वो पड़े हुए व्यक्ति आदित्य मौली वहां पे गिरा सर डैमेज दिया जाएगा। आदित्य माफी को डाउन करते हुए बट स्काउट वो पीछे मौजूद है, उन्होंने आदित्य को डाउन किया। मोस्ट प्रोबेबली जो आखिरी फिनिश था वो भी उनके पास जाएगा बट नहीं, अल्ट्रॉन थे जिन्होंने व्यक्ति को वहां पे डाउन किया बट अब इसी के साथ 3v1 सिचुएशन होता हुआ एस ब्लैक लास्ट ब्लैक से गिरे बट चलिए कम से कम डैमेज नहीं पड़ा, सरवाइव करेंगे बट ओशियन 1v3 बहुत मुश्किल सिचुएशन यहां पर हो सकती है। एस ब्लैक आई मीन केपेबल है ये प्लेयर बट क्या केपेबिलिटी इस समय निकल करके आएगी। सर्कल के अंदर आ चुका बट एक ग्रेनेड ऑलमोस्ट एस ब्लैक को यहां पर पिक कर सकता था। टीम एक्सपार्क का ये जो डिसीजन था सही मौके पर एक्सलोयंस के ऊपर जाने का वो दैट वाज एक्चुअली वन द बेस्ट डिसीजन जो यहां पर टीम एक्सपार्क ने अभी लिया है और कहीं ना कहीं काफी अच्छे तरीके से कंपोजर अपना बना करके रखा। ग्रेनेड मोनोटॉफ सब किया जा रहा है, एस ब्लैक को देखिए उनके आसपास आग लगी हुई जरूर है बट कहीं ना कहीं टीम एक्सपार्क के भी मैं बोलूंगा यहां पर प्लेयर्स आगे एग्रेस करके वो फिनिश लेना चाहते हैं, प्लेयर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी प्लेयर है कहां पर? स्काउट अल्ट्रॉन मावी तीनों प्लेयर्स यहां पर बिल्कुल कंपोजर अच्छा बनाने की कोशिश। एस ब्लैक स्टिल सर्वाइविंग, स्टिल ट्राइंग टू गेट अ गुड फाइट। नेड्स किए गए हैं, उनकी लोकेशन आई गेस अब प्रॉपर्ली पता चल चुके हैं। तीनों प्लेयर्स शायद आगे की तरफ को मूव करना चाहें बट सर्कल एग्जैक्टली इज द रियल एमवीपी। एस ब्लैक को बाहर तो खदेड़ेगा बट टीम एक्सपार्क की झोली में पूरा गेम ला करके दे दिया है इस जोन ने एंड उनके एग्रेसिव स्टांस ने। 15 पॉइंट्स टीम एक्सपार्क, उनको शायद ही कोई रोक सकता है, अगर रोका तो एस ब्लैक होंगे वो। जी बिल्कुल, आप देखिए कि जैसे सर्कल बना वहां पे टीम एक्सपार्क के जो प्लेयर रश कर रहे थे वो पीछे बट चले स्काउट ने देख लिया और इसी के साथ एस ब्लैक खत्म होंगे और एमवीपी आपको स्काउट ओपी बनते हुए दिखाई देंगे जिस तरीके से उन्होंने फिनिशेस निकाले। टोटल 6